हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके बीच पुनः इंग्लिश का क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आज का जो इंग्लिश का क्लासेस है बड़ा इंटरेस्टेड है भाई। आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना अर्थात बदलना, यानी नरेशंस के अंतर्गत जो हमारी टॉपिक्स है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना, वही से जो का आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग आज उसमें किस सेंटेंस की अध्ययन करेंगे भाई, तो यहाँ पर नोट्स किया गया, लिखा गया है, देख लीजिए। आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, मेरे प्यारे इंपरेटिव सेंटेंस का। जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से हम परिवर्तित करेंगे, इसका हम लोग फर्स्ट रूल देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं यह कि जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है वो होता क्या है। यहाँ पर आपके बीच तीन वर्ड लिखा गया माय डियर्स, एडवाइस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, जिसका मतलब होता है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ऑर्डर का आज्ञा देना और रिक्वेस्टेड का प्रार्थना करना। यानी जिसमें ऐसा सेंटेंस है जिसमें इन तीनों चीजों का बोध हो, तीनों चीजें अपने आप को प्रकट करे, अपने आप को दर्शाए, वही सेंटेंसेस हमारा क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। हम कह सकते हैं ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर की बातें की जाए, वह सेंटेंसेस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक ना। चलिए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कुछ रूल को देखते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो हमारा सेड है, अगर वहां पर हमारे ऑर्डर की बातें की जा रही है तो उसको हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे, एडवाइस की बातें की जा रही है तो उसको हम एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे माय डियर, अगर रिक्वेस्ट की बातें की जा रही है तो उसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे अर्थात बदल देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज माय डियर, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, क्योंकि कि हम जब स्टेटमेंट लिखते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का, यानी डायरेक्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें हमारा दो स्टेटमेंट मिलता है। एक तो हमारा स्टेटमेंट मिलता है भाई, क्या मिलता है ध्यान देखिएगा, एक तो हमारा स्टेटमेंट जो मिलेगा वो आर भी मिलेगा, और दूसरा आपका जो स्टेटमेंट मिलता है वह आर ई एस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच मिलता है। क्या मिलता है भाई, रिपोर्टेड स्पीच मिलता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये तो रिपोर्टिंग वर्ब की बातें हो गई, लेकिन यहां पर जो बातें की जाएगी वो रिपोर्टेड स्पीच, इसमें क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होगा, वर्ब से पहले जो इसका वर्ब होगा, मेन वर्ब जो होगा उससे पहले टू लगा करके हम उसको इंफिनिटिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इंफिनिटिव बना लेते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, एक ही एग्जांपल से हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, एंड लर्न योर लेसन, इनवर्टेड कामा क्लोज। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। देखिएगा इसमें क्या बातें हो रही है और कैसी बातें हो रही है, ध्यान देखिएगा। करा द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, बहुत अच्छे से कहा है, क्या कहे भाई, टीचर ने मुझसे कहा सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन, और अपना लेसन याद करो। अब टीचर जो है माय डियर्स वो क्या कह रहा है यहां पर, जो टीचर से जो अध्यापक वो कह क्या रहा है यहाँ पर, कह रहा है भाई अपने क्लास में बैठ जाओ तुम और अपना लेसन क्या करो, याद रखो, यानी याद करो। जब ऐसी बातें यहाँ पर आ रही है तो हम क्या करेंगे बताइए, तो हमने कहा है जो सेट टू है इसको हम बदल देंगे। अब सबसे पहले ये चीजें यहाँ बताइए, यहाँ ऑर्डर की बातें आ रही है, क्या आ रहा है, टीचर है भाई 100% है, वो ऑर्डर देगा आपसे, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं और आपको सलाह भी नहीं देगा, यहाँ पर सलाह देने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको ऑर्डर देने की बात कर रहा है, भाई बैठ जाओ अपने क्लास में और अपना लेसन याद करो, ऐसा कह रहा। कौन कह रहा, टीचर्स कह रहा। तो वही बातें यहां पर हम करेंगे कि जो सेड टू इसे हम ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी। क्या हो जाएगा माय डियर्स, द टीचर हो जाएगा और ऑर्डर्ड मी। अब मैंने कहा, फिर कह रहा कि ये तो हमारी बात हुई, कहां तक की बातें हुई भाई, रिपोर्टिंग, क्योंकि मैंने कहा ना हाई जो सेंटेंस होगा जिसमें सेड लगा हुआ है ये सेंटेंसेस आपका आरबी होगा, तो आरबी में मैंने क्या कर लिया बेटा, सेड टू को हटाया और ऑर्डर लगा दिया, मैंने कहा ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे ना, बस यही चीजें। अब इसके बाद कह रहा जो ये देखिएगा, ये सेंटेंसेस हमारा आरएस है, क्या है, आरएस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच, यानी हम कह सकते हैं कामा के बाहर रहने वाला जो सेंटेंस है जो अपना बैठा हुआ है वो उसको हम आरबी कहते हैं, जो कामा के अंदर पैक है यानी एक दरवाजे में पैक है उसको हम आरएस कहते हैं। जो आरएस का कह रहा, आरएस का जो हमारा वर्ब है उससे पहले हम टू लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं,
टू लगाते थे और टू लगाकर उसको हम इन्फिनिटिव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इन्फिनिटिव। तो हम जब टू लगाएंगे तो इन्वर्टेड कामा जो है भैया ये भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टू सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ये आपका बन गया मेरे प्यारे, क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया माय डियर्स? कोई डाउट नहीं होगा आई होप, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं। यहाँ पर करा द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठ जाओ, लर्न योर लेसन, ये डायरेक्ट था। अब हमने कहा द टीचर ऑर्डर मी, टीचर ने मुझे आज्ञा दिया टू सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठने के लिए, एंड लर्न योर लेसन, सॉरी लर्न योर लेसन, यहाँ योर नहीं रहेगा माय डियर्स, लर्न योर लेसन, क्योंकि हम ये बातें किसी को बता रहे, क्या कह रहे हैं? बातें किसी को बता रहे हैं, और ये बातें बता रहे थे अपने लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो होगा मेरे प्यारे, यहाँ पर हमारा योर नहीं लेगा, जैसे कहने मतलब ये तो हमें टीचर ने हमें कहा था, टीचर ने हमें कहा था, लेकिन ये बातें मैंने किसी से बता रहे, भाई टीचर ने मुझे आज्ञा दिया कि अपने क्लास में बैठ जाओ, तो यहाँ पर सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो पजेसिव केस है वो बदल जाएगा, योर नहीं रहेगा, क्योंकि टीचर हमें कहा था अपने अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर मैं जो बातें कर रहा हूँ वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर जो हमारा पजेसिव केस होगा वो बदल जाएगा, अर्थात ये हमारा क्या कहलाएगा माय डियर्स? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। प्लीज राइट योर कॉपी, आई होप कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा। चलो माय डियर्स दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कहा गया ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से कहता है वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, क्या करो माय डियर? कठिन परिश्रम कियो। तो यहाँ पर उसका जो दोस्त है उसे क्या कहने के लिए कर, क्या उससे रिक्वेस्ट कर रहा भाई? क्योंकि उसका दोस्त रिक्वेस्ट करेगा कभी नहीं, पता ही है दोस्त रिक्वेस्ट तो करते नहीं, बल्कि कहेंगे और मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दोस्त अच्छा उसको एक प्रकार से सलाह दे रहा है, भाई पढ़ लो, कठिन परिश्रम कर लो, मेहनत कर लो, तभी सफलता, क्योंकि कहा गया हार्ड वर्किंग इज द सक्सेस आपके ना, तो वही रूल यहाँ पर अपना लिया इसका दोस्त। तो जब इसको हम बदलेंगे तो हम सीधी सी बात है सेट टू को हटाएंगे, तो ही एडवाइज हिज फ्रेंड, यानी हम एडवाइस लगा देंगे, फिर उसके बाद कहा गया है ना कि यानी वर्ब से पहले टू लगा करके हम जो वर्ब रहेगा उसको हम इन्फिनिटिव बना लेते हैं, तो वर्क इसमें वर्क हार्ड हमारा वर्ब है, तो हम उसके पहले टू लगा देंगे, बाकी सब सेम चीज है। तो यह हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें माय डियर्स? यह कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। कोई डाउट्स नहीं होगा माय डियर्स, प्लीज राइट्स कर लीजिए, फिर अगले एग्जांपल और रूल की तरफ मैं चल रहा हूँ, ठीक ना, प्लीज। चलिए नंबर नेक्स्ट रूल को देखते हैं, नंबर टू रूल को देखते हैं। नंबर टू रूल्स क्या कह रहा माय डियर्स? कह रहा माय डियर्स नंबर दूसरा है, कह रहा अगर हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस है, जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर उसका जो हमारा आरएस है, अगर वह किससे स्टार्ट हो, यानी किस वर्ड से स्टार्ट हो मेरे प्यारे, अगर वो नेगेटिव कहा जाए अर्थात तो वो स्टार्ट हो डू नॉट से, किससे स्टार्ट हो माय डियर्स? अगर वो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको जब हम बदलेंगे, जब उसको किसमें बदलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे, तो उस समय रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा आरवी था, तो आरवी में जो हमारा सेड आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे प्यारे? जो हमारा आरवी में सेड आ रहा है, क्या आ रहा है माय डियर? सेड आ रहा है, या सेड टू जो हमारा आ रहा है, इसको हम चेंज कर देंगे, अर्थात इसको हम बदल देते हैं, और किसमें बदल देंगे माय डियर? फॉर बैड में बदल देंगे, किसमें? फॉर बैड में क्या कर देंगे हम? बदल देंगे, किसमें बदला जाएगा? फॉर बेड में। कहने का मतलब अगर हमारा दूसरा रूल कह रहा है कि अगर हमारा जो सेंटेंस जो स्टेटमेंट है अगर वो डू नॉट से शुरू हो, किससे शुरू हो? नकारात्मक वर्ड से, डू नॉट से शुरू हो, तो उस स्थिति में जब उसको हम बदलेंगे किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वहां पर हमारा सेट टू को हम किसमें बदल देंगे? फॉर बेड में बदल देंगे, और बाकी सब क्या रहेगा माय डियर? सेम रहेगा, केवल हम क्या कर सकते हैं, डू नॉट को हटा देंगे, और डू नॉट हटा करके उसकी जगह हम टू को लगा करके हम उस सेंटेंस को इन्फिनिटिव में परिवर्तन कर देंगे। जैसे कहने का मतलब एक सेंटेंसेस मैं बोला द टीचर सेड टू द बॉय, मैंने कहा एक सेंटेंस है द टीचर सेड टू द बॉय कामा इनवर्टेड कामा डू नॉट अब्यूज एनीवन इनवर्टेड कामा क्लोज ए डायरेक्ट स्पीच, यानी जो टीचर है
वह किससे कह रहा है? लड़के से कहा कि भाई किसी को गाली मत दो, गाली देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब ये तो डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट बातें कह रहा, किससे? स्टूडेंट कह रहा, लेकिन यही बातें स्टूडेंट जाकर दूसरों, क्योंकि आपको बताया गया है नरेशन हमारा वही होता है कि किसी के द्वारा सुनी गई बात को और किसी दूसरे से जाकर के बता देना, यानी चुगली करना ही नरेशन होता है। जैसे इसको हम जब बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हाँ जो से टू है यह किस में चेंज हो जाएगा? फॉरबेड में। डू नॉट हटेगा, टू लगेगा किसके साथ? वर्ब के साथ। और बाकी सब क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा, जब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा द टीचर फॉरबेड द टीचर फॉरबेड द बॉय टू अब्यूज एनीवन ये क्या हो गया भाई? डियर्स इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसी तरीके से नाउ आई हैव कन्वर्ट बहुत सारे सेंटेंसेस, अच्छा सेंटेंसेस, ढेर सारे सेंटेंसेस को आप बदल सकते हैं। तो इस वीडियोस में इतना ही काफी आपके लिए। फिर अगले पार्ट्स में अगले रूल्स के बारे में, अगले नियम्स के बारे में, अगले एग्जांपल्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड्स करूंगा। टुडे इज मोर देन ऑल डियर्स, फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में। इतना काफी है, धन्यवाद आज के लिए आप लोगों के।